रोमन रेंग्स, आज रोमन रेंग्स ने जो अनाउंसमेंट करी मंडे नाइट रॉ में, वो सारे रेसलिंग फैंस को हिला देने वाली रेसलिंग न्यूज थी। ये न्यूज देते हुए मेरे को बहुत खास अच्छा नहीं लग रहा। ये शायद हमारे चैनल पे पहली ऐसी न्यूज होगी जो देते हुए मुझे काफी बुरा लग रहा है। आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करने के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंग्स आए। रोमन रेंग्स ने काफ़ी सारे लाइव इवेंट्स को इस हफ्ते में मिस करा था और सबको ये लग रहा था कि रोमन रेंग्स इंजर्ड हैं। रोमन रेंग्स ने इस मंडे नाइट रॉ के सेगमेंट में सबसे पहले आके ये कहा कि वो एक अपोलॉजी करना चाहते हैं सबसे, कि उनको लगता था कि वो एक फाइटिंग चैंपियन है, वो एक वर्क हॉर्स है, पर उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। उन्होंने कहा अपने सेगमेंट में कि मेरा असली नाम जो है और मैं पिछले 11 साल से लुकीमिया, जो कि एक कैंसर की बीमारी है, उससे पीड़ित हूँ। उन्होंने बताया कि ये 22 साल की उम्र में मुझे आज से पहले भी हुई थी, पर मैंने इस बीमारी को हरा दिया था। पर कुछ ही टाइम पहले ये बीमारी धीरे धीरे वापस आने लगी है, जिस वजह से मैं अब रेसलिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकता। रोमन रेंग्स ने इस मंडे नाइट रॉ में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, और WWE के फैंस ये कह के गए कि ये मेरी कोई रिटायरमेंट स्पीच नहीं है, मैं दोबारा आऊँगा। सबसे बड़ी बात कि लुकीमिया क्या होता है जो रोमन रेंग्स को हुआ है। लुकीमिया एक कैंसर होता है जो कि बोन मैरो में बनने वाले वाइट ब्लड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप इसको ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। रोमन रिंग्स की ये बीमारी कितनी ज़्यादा सीरियस है, रोमन रिंग्स का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। पर रोमन रिंग्स ने एक शेर की तरह कहा कि ये मेरी कोई रिटायरमेंट स्पीच नहीं है, मैं इस बीमारी को हरा के वापस लौटूंगा। यानी कि आज रोमन रिंग्स के ओपनिंग सेगमेंट से दो बात साफ हो गई कि रोमन रेंग्स पिछले कई सालों से दर्द में रेसलिंग कर रहे थे, और रोमन रेंग्स ने आज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को छोड़ दिया और अब ये चैंपियनशिप किसी और की हो जाएगी। पर रोमन रेंग्स अब हमेशा के लिए चैंपियन पूरे फैंस की नज़र में बने रहेंगे। रोमन रेंग्स दोस्तों द्वारा ज़रूर लौटेंगे, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा था। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब रोमन रेंग्स के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमें दोबारा से एंटरटेन करने के लिए रेसलिंग में वापस आए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, हमारे वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।